C-I-E-T-N-C-E-R-T -E presents Dictionary of Economics for Schools Trilingual Arthashastra ka Shabdakosh Vidyalayon ke liye Tribhashi Maashiyat ki Lughat Schools ke liye Index D Dandekar VM and Rath Neelakanta Page 20 Data Page 20. Debit. Page 20. Debt. Page 21. Debt trap. Page 21. Deficit. Page 21. Deficit finance. Page 21. Deflation. Page 21. Deforestation. Page 21. Deindustrialization. Page 22. Demand. Page 22. Demand curve. Page 22. Demand deposit. Page 22. Demand for money. Page 22. Demand function. Page 23. Demand schedule. Page 23. Demat account. Page 23. Demographic dividend, population dividend. Page 23. Demographic transition. Page 23. Demography. Page 24. Density of population. Page 24. Deposit. Page 24. Depreciation. Page 24. Depression. Page 24. Deregulation. Page 25. Devaluation. Page 25. Developing country. Page 25. Diminishing marginal rate of substitution. Page 25. Direct tax. Page 26. Discrete variable. Page 26. Discretionary fiscal policy. Page 26. Disguised unemployment. Page 26. Disinvestment. Page 27. Disparity. Page 27. Dispersion. Page 27. Distribution of variable. Page 27. Diversification. Page 27. Dividend. Page 27. Domestic goods. Page 28. Double coincidence of want. Page 28. Drain of wealth. Page 28. Dual pricing. Page 28. Dumping. Page 28. Duopoly. Page 29. Let's start with alphabet D. Page 20. Dandekar V.M. and Rath Neelkantha, Indian economists who developed the concept of poverty line based on nutritional requirements of individuals. According to them, पर्सन कंज्यूमिंग लेस दैन टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी कैलोरीज पर डे इज टर्म्ड एज पुअर दांडेकर वी एम और रथ नीलकंठ भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की अवधारणा को विकसित किया उनके अनुसार प्रतिदिन दो हजार दो सौ पचास कैलोरी से कम का उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब कहलाता है डांडेकर वीएम और रथ नीलकंठ ये दोनों वीएम डांडेकर और रथ नीलकंठ हिंदुस्तानी माहरी नमाशियात हैं जिन्होंने अफराद की तकजिया से मुतल जरूरियात की बुनियाद पर ख़त अफलास यानी पॉवर्टी लाइन का तस्वर पेश किया उनके मुताबिक रोजाना 2250 से कम कैलोरी इस्तेमाल करने वाला शख्स गरीब कहलाता है डेटा ऑल इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम इकोनॉमिक एजेंट्स पीपल फर्म्स गवर्नमेंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड डेटा सच इंफॉर्मेशन में बी क्वान्टिटेटिव दैट इज इन नंबर्स और क्वालिटेटिव दैट इज इन डिस्क्रिप्शन This data is used for descriptive and analytical studies. For example, data can be used to describe the levels of literacy, gender inequality, and demography. Data may also be used to check whether literacy is rising, gender inequality is lessening, or the demographic structure is changing. The data may be available from first hand information in which case it is called primary data if it is available from second hand information it is called secondary data aankde arthik agento, log sarkar se li gayi sabhi ko kehte hain is prakar ki sankhyatmak अंकों में या गुणात्मक वर्णन में हो सकती हैं। इन आंकड़ों का उपयोग वर्णात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए आंकड़ों का उपयोग साक्षरता के स्तर लिंग असमानता तथा जनाकिकी के वर्णन के लिए किया जा सकता है आंकड़ों का उपयोग ये जांच करने के लिए भी किया जा सकता है कि क्या साक्षरता बढ़ रही है लिंग असमानता कम हो रही है या जनाक की संरचना में कोई परिवर्तन हो रहा है आंकड़े मौलिक जानकारी के रूप में भी इकट्ठे किए जा सकते हैं जिन्हें प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है यदि आंकड़े पहले से ही इकट्ठे किए जा चुके हैं तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है एदाद व शुमार एदाद व शुमार की शक्ल में इकट्ठा की जाने वाली तमाम मालूम जिनका ताल्लुक आवाम फर्म हुकूमत वगैरह से हो डेटा कहलाता है यह मालूम मकदारी या सिफाती हो सकती है इन एदाद को तशरी तश्र तबसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है मसलन एदाद को ख्वादगी की सतह जिनसी ना बराबरी और डेमोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है एदाद और शुमार ये भी बतला सकता है कि आया खवांदगी की सतह बढ़ रही है जिनसी ना बराबरी घट रही है या डेमोग्राफी ढांचे में तब्दीली आ रही है एदाद और शुमार दो तरह के हैं एक इब्तदाई और दूसरा सानवी इब्तदाई एदाद शुमार फील्ड सर्वे से हासिल होता है इसको बड़ा हिरास्त हासिल किया जाता है जबकि सानमी अलदा शुमार मतबूआ المعلومات पर मुबनी होता है डेबिट एन अकाउंटिंग एंट्री व्हिच रिजल्ट्स इन आइदर एन इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ अ क्रेडिटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक और अ डिक्रीज इन इट्स लायबिलिटीज और नेटवर्थ in case of individuals or firms the debit will result in increase in liabilities or decrease in assets it is the opposite of credit it indicates the left hand side of the balance sheet of commercial banks it refers to the responsibility or obligation of the bank for payment to others it is a bank debt to customers which includes the borrowing or debt items. From the debit side, we can know the source from which funds can be raised to pay for the liability. The items of the debit side are share capital, reserve funds, deposits, bills of draft payable. Borrowing from other banks and acceptance and endorsement, etc. ATM card is one of the examples of the debit by which one can withdraw money at any time from one's account in a bank, reducing the bank's liability. Nami debit. Ek lekha pravishti entry jiske karan ek randata ya vitiya sanstha. जैसे कि वाणिज्यिक बैंक की संपत्तियों में वृद्धि होती है अथवा उसकी देयताओं या निवल संपत्ति में कमी आती है व्यक्तियों या फर्मों के मामले में डेबिट से देयताओं में वृद्धि या परिसंपत्तियों में कमी होगी ये ऋण का विलोम है ये वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र के बाएं भाग को दर्शाता है ये दूसरों को भुगतान के लिए बैंक के दायित्व या बाध्यता से जुड़ा है ये ग्राहकों को बैंक का ऋण है जिसमें उधार या ऋण की मदें शामिल होती हैं डेबिट पक्ष से हम उस स्रोत के बारे में जान सकते हैं जिससे दायित्व के भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त की जा सकती है डेबिट पक्ष में शेयर पूंजी आरक्षित धनराशियाँ जमा राशियाँ देय ड्राफ्ट बिल अन्य बैंकों से लिया उधार और स्वीकृति तथा समर्थन आदि मदे होती हैं। एटीएम कार्ड डेबिट का एक उदाहरण है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बैंक की देयता कम करते हुए अपने खाते से किसी भी समय मुद्रा निकाल सकता है डेबिट खाते में एक ऐसा इंदिराज जिसके नतीजे में या तो कर्ज दहनदा यानी क्रेडिटर या माली इदारे यानी कमर्शियल बैंक के असासों में इजाफा होगा या उसके वाजिबात या खालिस मालियत यानी नेटवर्थ में कमी होगी अफराध या फर्मों के मामले में डेबिट से वाजिबात में इजाफा और असासों में कमी होगी डेबिट क्रेडिट का उल्टा है कमर्शियल बैंकों की बैलेंस शीट की बाएं जानब को जाहिर करता है यह दूसरों के तई अदायगी की जिम्मेदारी है यह ग्राहकों को बैंक का कर्ज है जिसमें उधार या कर्ज की मदें शामिल हैं डेबिट कॉलम से हम उस जरिए को जान सकते हैं जिससे वाजिबात की अदायगी के लिए रकूम हासिल की जा सकती हैं डेबिट कॉलम में शेयर सरमाया महफूज सरमाया यानी रिजर्व फंड्स डिपॉजिट काबिल अदाय की ड्राफ्ट बिल दीगर बैंकों से लिया गया कर्ज कबूलियत और तोसीक वगैरह होती है एटीएम कार्ड डेबिट की ही एक मिसाल है जिसके जरिए कोई भी शख्स किसी भी वक्त अपने बैंक खाते से रकम निकाल सकता है जिससे बैंक के वाजिबात में कमी आती है पेज ट्वेंटी वन डेट amount of money and other assets borrowed by an individual firm or government from a lender or financial institution debt is incurred to cover expenditure when income falls short of expenditure payment of interest at the time of the repayment of debt is called debt service rin किसी व्यक्ति फर्म या सरकार द्वारा किसी ऋणदाता अथवा वित्तीय संस्था से लिया गया धन और अन्य परिसंपत्तियां ऋण उस खर्चे को पूरा करने के लिए लिया जाता है जब आय व्यय से कम हो जाती है ऋण वापसी के समय किया गया ब्याज का भुगतान ऋण सेवा कहलाती है कर्ज किसी शख्स फर्म या सरकार के जरिए कर्ज दहनदा या माली इदारे से ली गई रकम और दीगर असासे कर्ज उस वक्त लिया जाता है जब आमदनी खर्च से कम हो जाती है कर्ज की वापसी के वक्त सूद की अदायगी को कर्ज खिदमत यानी डेट सर्विस कहा जाता है डेट ट्रैप अग सिर अट इज एडेड इनऑर्डर टू रीपे इंटरेस्ट एंड ऑल द प्रिंसिपल समेत ऋण जाल एक आवर्ती स्थिति जिसमें विद्यमान ऋण का ब्याज तथा या मूल धन चुकाने के लिए और ऋण लेना पड़ता है कर्ज भंडा, ऐसी सूरत हाल जिसमें एक कर्ज की अदायगी या मौजूदा कर्ज के साथ सूद की अदायगी के लिए नया कर्ज लिया जाता है डेफिसिट An excess of expenditure over income of an individual, organization, and government over a period of time. Also see budgetary deficit, trade deficit, balances of payment deficit, etc. See also fiscal deficit, revenue deficit. Gata Ek Samaya Vadhimi. एक व्यक्ति संगठन और सरकार की आय से अधिक व्यय देखें बजट घाटा व्यापार घाटा भुगतान संतुलन घाटा आदि खसारा किसी एक खास मुद्दत के दौरान किसी शख्स तंजीम और हुकूमत का आमदनी से ज्यादा खर्च देखिए बजटी खसारा तजारती तोज़ुनी अदायगी खसारा वगैरा Dekhe, mali Hasara or Hasara Deficit Financing Acquiring resources to fill the gap between government expenditures and revenues. These resources may be obtained through borrowings from the public or printing of new currency by the central bank. Gati ki vit Vyavastha Sarkari Tatha Aimi. अंतर को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना ये संसाधन जनता से ऋण लेकर या केंद्रीय बैंक द्वारा नई मुद्रा छाप कर प्राप्त किए जा सकते हैं खसारा मालियात सरकारी अखराजात और आमदनी के फर्क को पूरा करने के लिए वसाइल मुहैया करना इन वसाइल को आवाम से कर्ज लेकर Or bank new notes. Deflation. A decline in the general level of prices of goods and services during a specific period of time. Deflation has a negative impact on the profit received by producers and therefore reduces the desire to invest. This slows down the rate of growth of output. अवस्फीति एक विशेष समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर पर दीर्घकालीन ह्रास अवस्फीति का उत्पादकों के लाभ पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है अतः निवेश करने की प्रेरणा में कमी आ जाती है इससे उत्पादन तथा रोजगार की वृद्धि की दर घट जाती है ये स्फिति की विपरीत स्थिति है मंदी खास अरसे के दौरान अशिया और खिदमत की आम कीमतों में मुसलसल गिरावट कौमी आमदनी पैदावार और रोजगार की सतह में कमी इसकी खसूसियात हैं कारोबारी दौर में ये हालत आमदनी और पैदावार की मुकम्मल रोजगार सतह के नीचे आने पर पैदा होती है मंदी अफरात जर का मुतजाद है डिफॉरेस्टेशन अ डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर इन एनी रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस मे बी ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इज डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर अर्बन नीड्स Or for setting up of industries. Second, encroachment and removal of forest cover by villagers for agriculture or housing or forest residents. Third, natural calamities or climate changes. This is one of the important reasons for environmental degradation leading to adverse effects on people. एंड वाइल्ड एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ लिविंग पैटर्न लाइवलीहुड क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वनोन्मूलन किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में हरित क्षेत्र में होने वाली कमी इसके कारणों में पहला सरकारी नीति जैसे कि शहरी जरूरतों या उद्योग लगाने के लिए जंगल भूमि का प्रयोग करना दूसरा ग्रामीणों द्वारा कृषि या घर के लिए वनों का अतिक्रमण तथा हरित क्षेत्र को हटाना तीसरा प्राकृतिक आपदाएं या जलवायु परिवर्तन शामिल है ये पर्यावरण निम्नीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है जो लोगों और वन्य प्राणियों के रहन सहन जीविका जलवायु और मौसम तथा पर्यावरणीय प्रदूषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जंगलात का खात्मा किसी इलाके में एक मुद्दत के दौरान जंगलात के खितों में गिरावट डिफॉरेस्टेशन कहलाती है इसकी वजह हो सकती है एक गवर्नमेंट पॉलिसी जहां खिते जंगलात को शहरी जरूरतों के लिए बदलना या सनातों को कायम करना दो जरात के लिए किसानों का जंगलों का सफाया जंगलों के महकमे के लिए रिहायश गाहों का क्याम तीन कुदरती आफात मालियाती तब्दीलियां मालियाती अलखतात इसकी खास वजह है जो इंसानों और मवेशियों के अंदाज जिंदगी आबो हवा और मौसमी व माहौलियाती आलूदगी पर मुजर असरात डालती है पेज ट्वेंटी टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अ प्रोसेस दैट कॉज इज द क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लीडिंग टू डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल इंप्लॉयड इन इंडस्ट्री एज अ होल इन अ पर्टिकुलर रीजन ने औद्योगिकरण उद्योगों के बंद होने की प्रक्रिया जिससे किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों में कार्यरत लोगों की संख्या कम हो जाती है सनाती अदमकारी सनातों के बंद या खत्म होने का अमल जिससे किसी खास इलाके में सनातों में लगे बरसर रोजगार लोगों की तादाद घट जाती है डिमांड डिजायर बैक्ड बाय एन इंडिविजुअल्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन इकोनॉमिक थियोरी म्यूरली वॉन्ट और नीड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय अबिलिटी टू पे मांग व्यक्ति की उत्सुकता और भुगतान क्षमता के साथ किसी विशेष वस्तु की इच्छा आर्थिक सिद्धांत में मात्र इच्छा या आवश्यकता मांग नहीं कहलाती जब तक कि इसे भुगतान क्षमता का समर्थन न हो मांग किसी चीज के लिए दिलचस्पी जहाँ उसके कीमत की अदायगी की अहलियत के साथ उस चीज की ख्वाहिश जुड़ी हो माशी नजरिए के मुताबिक सिर्फ जरूरत या हाजत मांग के लिए काफी नहीं बल्कि उसके लिए अदायगी की अहलियत भी होनी चाहिए डिमांड कर्व A curve or a line which shows the locus of all points representing the relationship between the price of a product and its quantity demanded assuming that all factors affecting demand are held constant the demand curve usually slopes downwards because there is inverse relationship between the price and the quantity demanded लॉ ऑफ डिमांड मांग वक्र एक वक्र अथवा रेखा जो एक दी हुई समयावधि में किसी उत्पाद की कीमत और मांग की मात्रा के बीच संबंध निरूपित करने वाले सभी बिंदुओं के पथ को दर्शाती है जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारकों को स्थिर रखा जाता है मांग वक्र का ढाल नीचे दाई ओर होता है क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा में प्रतिलोमी संबंध होता है जिसे मांग का नियम कहा जाता है मांग खमीदा एक खत जो मुकर्रर मुद्दत में किसी पैदावार की कीमत और मांग की मकदार के ताल्लुक को जाहिर करके सभी मकामात दिखाता है मांग खमीदा का ढाल नीचे दाए तरफ होता है क्योंकि कीमत और मांग की मकदार में माकूस यानी इनवर्स रिश्ता होता है डिमांड डिपॉजिट अ टाइप ऑफ डिपॉजिट एट अ कमर्शियल बैंक वेर द डिपॉजिटर कैन विदड्रॉ द डिपॉजिटेड अमाउंट इन पार्ट और होल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सच डिपॉजिट्स आर यूजली आइडेंटिफाइड विथ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट दीज आर चैकेबल डिपॉजिट्स मांग जमा व्यावसायिक बैंक में रखा गया एक जमा जहां जमा करता जमा की गई राशि को किसी भी समय पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निकाल सकता है इन जमाओं की पहचान प्रायः चालू खाते व बचत खाते के साथ होती है ये जमा राशिया चेक द्वारा निकाली जा सकती हैं। मांग जमा किसी कमर्शियल बैंक में लोगों के जरिए बचत या चालू खाते में जमा की गई रकम को जमा बेसूरत मांग यानी डिमांड डिपॉजिट कहते हैं जहाँ जमा करने वाले अपनी पूरी या उसके कुछ हिस्से को किसी भी वक्त बैंक से निकाल सकते हैं इनको चालू खाता और बचत खाता कहते हैं ये चेक के जरिए भी निकाली जा सकती है डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिजायर टू होल्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स द डिमांड फॉर मनी अरिसेस फॉर थ्री इंपॉर्टेंट रीजन फर्स्ट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शन मोटिव सेकेंड To meet unforeseen expenses, precautionary motive. And third, to buy and sell stocks and bonds to make financial gains, speculative motive. While the demand for money due to transaction and precautionary motives are positive functions of income, why? and demand for money due to speculative motive is inversely related to the rate of interest r in sum therefore the demand for money is equal to function of y r mudra ki mang mudra ki mang se arth hai mudra ko taral pari sampatti ke roop mein rakhne ki ichha mudra ki mang तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होती है पहला वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने के लिए लेन-देन उद्देश्य दूसरा अप्रत्याशित व्यय करने के लिए सावधानी उद्देश्य तथा तीसरा वित्तीय लाभ कमाने के लिए स्टॉक व बॉन्ड्स का क्रय विक्रय करने के लिए सट्टा उद्देश्य लेन देन उद्देश्य तथा सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग आई वाई के घनात्मक फलन है तथा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर आर का ऋणात्मक फलन है अतः मुद्रा की कुल मांग फंक्शन ऑफ वाई आर जर की मांग जर की मांग का मतलब है जर को सयाल असासों, यानी लिक्विड एसिड्स की शक्ल में रखने की ख्वाहिश जर की मांग के तीन अहम मकसद होते हैं एक लेन देन से मुतालिक मकसद दो एहतियाती मकसद और तीन सट्टा मकसद जर की लेन देन से वस्ता मांग का सीधा ताल्लुक आमदनी से होता है एम टी बराबर फंक्शन ऑफ वाई जबकि एम टी बराबर जर के लेन देन से मुतालिक मांग वाई बराबर सारिफ की आमदनी की सतह जर की एहतियाती मांग भी बराह रास्त और मुस्बत तौर पर आमदनी की सतह से मुतालिक होती है इसलिए मजमू तौर पर बराबर फंक्शन ऑफ वाई आर जहां एम बाजार कीमत पर जर की मांग और वाई बराबर आमदनी की सतह और आर बराबर सूद है page 23 demand function the functional relationship of the dependent variable that is the quantity demanded with the independent variables which is price of the product income of the consumers prices of other products taste and preferences of the consumers etc mang bhalan आश्रित चर अर्थात मांगी गई मात्रा तथा स्वतंत्र चरों जैसे उत्पाद की कीमत उपभोक्ताओं की आय अन्य उत्पादों की कीमतें उपभोक्ताओं की रुचि और प्राथमिकताएं आदि के बीच कार्यात्मक संबंध वेयर जहां क्यू बराबर क्वांटिटी डिमांडेड मांगी गई मात्रा पी बराबर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट उत्पादों की कीमतें वाई बराबर इनकम ऑफ द कंज्यूमर उपभोक्ता की आय टी बराबर टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर उपभोक्ता की रुचि ओ बराबर प्राइसेज ऑफ अदर प्रोडक्ट्स अन्य उत्पादों की कीमतें मांग अमल मुनहसर मुतरा यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मतलूबा मक़दार और गैर मुनहसर मतगरत जैसे मसनूआ की कीमत सारिफ की आमदनी दीगर अशिया की कीमतें और औरारफिन की पसंद और उनकी तरजीहत वगैरह के दरमियान अमली रिश्ता है जहा क्यू बराबर मांग की गई मकदार पी बराबर मसनुआ की कीमत वाई बराबर सारिफ की आमदनी T pasand O digar Demand schedule. A hypothetical tabular representation of the various prices of a product and the specific quantities demanded at each of these prices. On the basis of this hypothetical information, demand schedule can be represented by a demand curve. मांग अनुसूची किसी उत्पाद की विभिन्न कीमतों और इन कीमतों पर प्रत्येक के लिए मांगी गई निश्चित मात्राओं का काल्पनिक सारणीबद्ध निरूपण इसके आधार पर मांग अनुसूची को एक मांग वक्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है मांग जदूल किसी मसनुआ की मुख्तलि कीमतों और उन कीमतों पर हर एक के लिए मतलूबा तय शुदा मकदारों का फर्जी जदोली इजहार इस फर्जी मालूम की बुनियाद पर मांग जदुल को मांग के खत खमीदे के जरिए जाहिर किया जाता है डी मैट अकाउंट Account of stocks and securities of an individual or firm held electronically in paperless dematerialized demat form with an authorized agency with a view to enable paperless transactions of such stocks and securities over stock exchange demat lekha किसी व्यक्ति या फर्म के इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए वे भौतिकीकृत डी मैट स्टॉक और प्रतिभूतियों का लेखा जो स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसे स्टॉक और प्रतिभूतियों को बिना कागजी लेन देन की दृष्टि से डी मैट रूप में किसी प्राधिकृत एजेंसी के नियंत्रण में होता है तमिस्काती खाता किसी फर्म या किसी शख्स के स्टॉक और तमिसकात का खाता जो स्टॉक एक्सचेंज पर हसस और सिक्योरिटीज के बगैर कागजी लेन देन के लिए किसी मजाज एजेंसी के पास डी मैट यानि आदम अशिया की शक्ल में रखा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉपुलेशन डिविडेंड A rise in rate of economic growth due to the rising share of working age population, 15 to 59 years in total population. Population dividend or demographic dividend when a falling birth rate leads to decline in the dependent population. Jananki kiya labhanj. Jan sankhya labhanj. पंद्रह से उनसठ वर्ष की आयु की कार्यशील आयु जनसंख्या की बढ़ती भागीदारी के द्वारा आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि जनसंख्या अथवा जनाकिकीय लाभांश तब होता है जब घटती जन्म दर के कारण आश्रित जनसंख्या में कमी आती है आबादियाती जजुई मुनाफा पंद्रह से उनसठ साल की कामकाजी उम्र वाली आबादी की माशी सरगर्मी में बढ़ती हिस्सेदारी के नतीजे में इकत शराहनामों में इजाफा आबादियाती जजो मुनाफा उस वक्त होता है जब घटती शरा पैदाइश के नतीजे में मुनहसर आबादी कम हो जाती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चेंज इन द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट in the first stage subsistence economy both the birth rate and death rate are high so there is very little change in the overall size of the population in the second stage of economic development developing economy income per head begins to rise and there is fall in the death rate due to better nutrition sanitation Medical care, etc which brings about a period of rapid population growth. In the third stage, modern industrialized economy, the population growth is characterized by declining birth rate. At this stage, population growth slows down and stabilizes. Page twenty four. Jananki Kia Parivartan. किसी देश के आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन की दर पहले चरण निर्वाह अर्थव्यवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं अतः जनसंख्या के समग्र आकार में बहुत कम परिवर्तन पाया जाता है आर्थिक विकास के दूसरे चरण विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है और बेहतर पोषण स्वच्छता चिकित्सीय देखभाल आदि से मृत्यु दर में कमी आती है तथा जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तीसरे चरण आधुनिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था में लोगों के अधिक शिक्षित हो जाने के कारण जन्म दर गिर जाती है इस चरण में जनसंख्या वृद्धि धीमी पड़ जाती है और स्थिर हो जाती है अबूरी आबादी मुल्क की इकतसादी तरक्की के मुख्तलिफ मराहल के दौरान आबादी के इजाफे में तब्दीली की शराह पहले मरहले यानी गुजरे वक्त की मीशियत में पैदाइश और मौत दोनों की शराह ज़्यादा होती है इसलिए आबादी में मजमू तब्दीली कम होती है इकतसादी तरक्की के दूसरे मरहले यानि सनातकारी में फीकस आमदनी बढ़नी शुरू हो जाती है और बेहतर तजिया सफाई सुथराई और तबी सहूलतों की वजह से शरह अमवात गिरने लगती है और आबादी में तेज़ी से इजाफे का मरहला आता है तीसरे मरहले यानि जदीद मीशत में चूंकि लोग तालीम याफ़्ता हो जाते हैं तो शरह पैदाइश में गिरावट से आबादी के इजाफे की शराह काबू में रहती है इस मरहले में आबादी की बढ़त की रफ्तार सुस्त हो जाती है और इसमें ठहराव आ जाता है डेमोग्राफी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एस बर्थ रेट डेथ रेट एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन डेंसिटी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट माइग्रेशन एक्सेट्रा जनाकिकी कुछ अभिलक्षणों जैसे जन्मदर मृत्यु दर आयु और स्त्री पुरुष संगठन जनसंख्या घनत्व शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर बाल मृत्यु दर प्रवसन आदि के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन अलम आबादियात बाज खसूस हालात जैसे शरह पैदाइश शरह अमवात उम्र और जिन्स का तनासब आबादी की कसाफत शीर ख्वारों की शरह अमवात जच्चा शरह अमवात बच्चों की शरह अमात और तरक वतन या महाजरत वगैरह की बुनियाद पर इंसानी आबादी का मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन the ratio of the number of people living in a region to the total area of that region according to 2011 census india's density of population is 382 per square kilometer while in 2001 census it was 324 per square kilometer this is one of the important characteristics of demography जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या तथा उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तीन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि 2001 की जनगणना में ये 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था ये जनांकिकी के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों में से एक है कसाफत आबादी एक मरबा किलोमीटर के रकबे में रहने वाले अफराद की तादाद 2011 की मर्दम शुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी की कसाफत फी मरबा किलोमीटर तीन है जबकि 2001 की मर्दम शुमारी के मुताबिक यह कसाफत 324 फी मरबा किलोमीटर थी ये आलम आबादीत का एक अहम पहलू है डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ मनी केप्ट बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन द बैंक और पोस्ट ऑफिस कमर्शियल बैंक्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट जमा राशि किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखी धन राशि वाणिज्यिक बैंकों में तीन प्रकार की जमा होती है बचत जमा मांग जमा और सावधि जमा जमा डिपॉजिट किसी फर्द या तंजीम की तरफ से बैंक या डाक खाने में रखी गई रकम कमर्शियल बैंकों में तीन किस्म की जमा रकूम होती हैं बचत जमा मांग जमा और मियादी जमा डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एसेट थ्रू नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड एक्सपेक्टेड ऑप्सुलींस इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट मूल्य ह्रास सामान्य फूट और अप्रत्याशित अप्रचलन द्वारा किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्य में ह्रास इसे स्थायी पूंजी के उपभोग या पूंजी की प्रतिस्थापन लागत के रूप में भी जाना जाता है मूल्य ह्रास बराबर सकल निवेश घटा निवल निवेश फरसूदगी आम टूट फूट और मतोका पुराने पन के बायस किसी सरमाया जाति असासे की कदर कीमत में कमी इसे कायम सरमाए का सर्फ या सरमाए की तबादली लागत भी कहा जाता है फरसूदगी बराबर कुल सरमायाकारी घटा खालिश सरमाकारी डिप्रेशन A phase in the business cycle which is characterized by decline, slump in the level of economic activity, high level of unemployment, and fall in the demand for goods and services. The Great Depression of 1929 and the economic crisis of 2008 are examples of the above. Page 25. Mandi. व्यवसाय चक्र में एक अवस्था जो आर्थिक क्रियाकलापों के स्तर में कमी बेरोजगारी के उच्च स्तर और वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में गिरावट द्वारा अभिलक्षित होती है उदाहरण के लिए उन्नीस की महामंदी तथा 2008 का आर्थिक संकट मंदी कारोबारी दौर का एक मरहला जिसमें जिसमे सरगर्मी की सतह में गिरावट बेरोजगारी की सतह में इजाफा और अशिया और खदम की मांग में कमी आ जाती है मसलन सन उन्नीस की महामंदी डी रेगुलेशन विद्रोवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल फ्रॉम अ सेक्टर एक्टिविटी और मार्केट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डी रेगुलेशन इज First, to promote competition in areas which were previously under exclusive control of the government. This allows private companies to compete for business in areas earlier confined to central government or local authority. Second, to allow for greater role of the market in deciding the levels of prices and output in an industry. इन इंडिया डीरेगुलेशन रेगुलेशन हैज अकर्ड इन कमर्शियल बैंकिंग सिविल एविएशन स्टील इलेक्ट्रिसिटी टेलीकम्युनिकेशन पेट्रोलियम एंड सो ऑन अनियमन, किसी क्षेत्र क्रियाकलाप अथवा बाजार से सरकारी नियंत्रण को हटाना अनियमन के मुख्य उद्देश्य हैं, पहला उन क्षेत्रों में स्पर्धा को प्रोत्साहित करना जो पहले सरकार के एकमात्र नियंत्रण में थे इससे निजी कंपनियों को व्यवसाय के लिए उन क्षेत्रों में स्पर्धा करने का मौका मिलता है जो पहले केंद्रीय सरकार या स्थानीय सत्ता तक सीमित थी दूसरा एक उद्योग में कीमत स्तर तथा उत्पादन स्तर के निर्धारण में बाजार के लिए बेहतर भूमिका भारत में अनियमन वाणिज्यिक बैंकों नागर विमानन स्टील विद्युत दूरसंचार, पेट्रोलियम आदि क्षेत्रों में हुआ है रद्द जब किसी सेक्टर या सरगर्मी या बाजार से हुकूमत की तरफ से कंट्रोल का हटाया जाना मसलन लाइसेंस वगैरह को खत्म कर देना कानूनी पाबंदियों को हटाने का मकसद उन शोबों में मुसाबकत का फरोग होता है जो पहले खालिश सरकारी कंट्रोल में हो एक उन निजी कंपनियों को तिजारत के लिए उन जुमरों में मौका मिलता है जो पहले सरकारी या मकामी कंट्रोल में थे दो सनातों में कीमत और पैदावार की सतह मतीन करने में बाजार की कार्यकर्दगी। हिंदुस्तान में रद्द जब्ता का निफाज कमर्शियल बैंक शहरी हवाबाजी स्टील Bijli, Telema Vasalati, or Petroleum ke mein hua hai. Devaluation. Reduction in the price of one currency against another under a fixed exchange rate system by the central bank of a country in order to correct the deficit in the balance of payments. Devaluation makes imports more expensive. thereby reducing import demand and increasing exports by making them cheaper, अवमूल्यन किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा एक नियत विनिमय दर पद्धति के अंतर्गत भुगतानों के संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए एक करेंसी के मूल्य में दूसरी करेंसी की तुलना में कमी करना अवमूल्यन से आयात अधिक महंगे हो जाते हैं जिससे आयातों की मांग कम हो जाती है तथा निर्यात सस्ते होने से निर्यात बढ़ जाते हैं तखफीफ जर अदायगियों के तोज़ुन को दुरुस्त करने की गर्ज से किसी मुल्क के मरकजी बैंक की तरफ से एक मुकर शरह मुबादला निज़ाम के तहत दूसरे के मुकाबले में एक करेंसी की कदर में तख्फीफ इसका मकसद दरामद को मजीद महंगा करना होता है जिससे दरामद की मांग घट सके और बरामद सस्ती हो सके डिवेलपिंग कंट्री दिस टर्म इज यूज टू कैरेक्टराइज कंट्रीज विच पोजेस मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन लो लेवल ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लो पर कैपिटल इनकम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एक्सेट्रा विकासशील देश इस शब्द का उपयोग ऐसे देशों के लिए होता है जिनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं कृषि की प्रधानता पूंजी निर्माण की कम दर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर निम्न प्रति व्यक्ति आय प्राकृतिक संसाधनों का अल्प उपयोग रहन सहन का निम्न स्तर तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की कमी आदि तरक्की पजीर मुल्क तौर पर पसमानदा मुल्क जहाँ जरात खास पेशा हो सरमाई की तश्कील यानी कैपिटल फॉर्मेशन की शराह कुल कौमी पैदावार की सतह फीकस आमदनी और कुदरती वसाइल से इस्ता कम हो मैार जिंदगी पस्त हो और बुनियादी सहूलतों की शदीद कमी हो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटी इट इज कंज्यूमर डिमांड It states that for a consumer at a fixed level of satisfaction, the amount of good Y exchanged for one unit of good X declines as the total amount of good X consumed increases. This assumption leads to the indifference curve having a shape convex towards the origin. See also MRS. एंड इन कर्व पेज 26 सिक्स मान सीमांत प्रतिस्थापन दर ये उपभोक्ता मांग के अनधिममान वक्र विश्लेषण की एक मान्यता है इसके अनुसार संतुष्टि के एक निश्चित स्तर पर जैसे जैसे वस्तु एक्स की अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए दी जाने वाली वाय वस्तु की मात्रा में कमी होती जाती है इस मान्यता के कारण ही अनधिमान वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर उन्नतो दर होता है जहाँ एक्स वस्तु की वायु वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर है देखें सीमांत प्रतिस्थापन दर अनधिमान वक्र मुतबादिल की घटती हाशियाई शरा दो अशिया एक्स और वाई दी गई हैं वो शरा जिस पर सारिफ शय एक्स की एक अजाई इकाई लेने के लिए उस शय के कुछ मकदार को छोड़ने को तैयार हो कम होती चली जाती है दूसरे लफ्जों में जैसे जैसे शय का x के लिए ज्यादा होता जाता है एक्स के लिए वाई के मुतबाद की हाशियाई शरा कम होती चली जाती है ने देखिए और खत बेन्याजी यानी इंडिफरेंस कर्व। डायरेक्ट टैक्स टैक्स लेवीड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम एंड वेल्थ रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स हाउस एंड बिजनेस फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स वेल्थ टैक्स the burden of direct tax is borne by the person on whom it is initially imposed direct taxes can be progressive in nature in so far as the rate of taxation can vary directly with the income and the wealth of the taxpayers Pratyakshkar. परिवार और व्यवसाय द्वारा प्राप्त आय और संपत्ति पर सरकार द्वारा लगाया गया कर उदाहरण के लिए आय कर निगम कर संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर का भार उस व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है जिस पर ये कर आरंभ में लगाया गया है प्रत्यक्ष कर आरोही प्रकृति के हो सकते हैं जब तक की की कर करारोपण की दर में करदाताओं की आय व संपत्ति के साथ प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है बरह रास्त टैक्स बिलास खानदान और किसी कारोबार के जरिए हासिल होने वाली आमदनी और दौलत पर हुकूमत की तरफ से लगाया गया टैक्स मसलन इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स वेल्थ टैक्स मौत महसूल वगैरह बरह रास्त टैक्स सरकारी रेवेन्यू का एक अहम जरिया और माली पॉलिसी का एक अहम वसीला है बराह रास्त टैक्स तरक्की पजीर नौीय के होते हैं क्योंकि अदा की जाने वाली रकम में टैक्स देने वालों की आमदनी या दौलत के लिहाज से बरह रास्त तब्दीली होती रहती है बराह रास्त टैक्स नाकबिल मुंतकली होता है इस टैक्स का बोझ उसी शख्स को उठाना होता है जिस पर असलन ये टैक्स लगाया गया है Discrete variable. A variable is said to be discrete if it either takes a finite number of values or a countably infinite number of values. In any case, the variable should not take all values within any interval. For example, if x is a variable that assigns the class in which a school student is admitted. देन एक्स टेक्स इंटीरियर वैल्यूज फ्रॉम वन टू ट्वेल्व एंड नो अदर हैं डिस्क्रीट वेरिएबल विविक्त चर एक चर विविक्त कहलाता है यदि इसके मान अपरिमित हो या फिर गणनीय रूप में परिमित हो किसी भी स्थिति में ये चर किसी अंतराल के सभी मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है उदाहरण के लिए यदि x एक चर है जो उस कक्षा को इंगित करता है जिसमें एक स्कूल विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है तो x के मान केवल एक से बारह तक के पूर्णांक ही हो सकते हैं अतः यहाँ x एक विविक्त चर है गैर मुसलसल मुतगीरा कोई मुतगीरा उस वक्त गैर मुसलसल कहलाता है जब उसकी कदरें यानी वैल्यूज़ गैर मुताना उछालों के साथ तब्दील होती हैं इसकी एक कदर से दूसरी कदर तक पहुँचने के लिए कोई दरमिया क़द्र नहीं होती मिसाल के तौर पर अगर एक्स मतगीरा क्लास तलबा की तादाद को बतला रहा है तो इसकी कदर एक से बारह तक एक ही है कोई दूसरी नहीं इसलिए एक्स गैर मुसलसल मतगीरा है Discretionary fiscal policy an approach to control the country's economic activity through fiscal policy it relates to the discretionary power of the government to take decision with respect to taxation government expenditure government borrowing and management of the government debt through discretionary fiscal policy the government can stabilize the economy maintain equitable distribution of wealth and income in the society and achieve full employment swar nirnayagat rajkoshiya niti राजकोषीय नीति द्वारा देश के आर्थिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने की एक उपागम ये कर लगाने सरकारी व्यय सरकारी ऋण और ऋण के प्रबंध को सरकार की स्व शक्ति से जोड़ती है स्व निर्णयगत राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर रख सकती है समाज में संपत्ति और आय के न्याय संगत वितरण को बनाए रख सकती है इम्तियाजी मालियाती पॉलिसी मालियाती पॉलिसी के जरिए मुल्क की किसी इकतसादी सरगर्मी को मन जब्त करने का तरीका इसका ताल्लुक़ टैक्स लगाने सरकारी अखराजात सरकारी कर्ज़ और सरकारी कर्ज़ के बंदोबस्त के मामलों में हुकूमत के फ़ैसले लेने के इख्तियार से है

even if some of the workers are withdrawn from their present occupation the total output will remain the same the marginal productivity of a worker is zero or negative in such case however the workers do not consider themselves to be unemployed page 27 prachanabero's gari एक स्थिति जहाँ श्रमिक कार्यरत दिखाई पड़ते हैं परंतु वास्तव में कुल उत्पादन में योगदान नहीं कर रहे होते यदि कुछ श्रमिकों को उनके वर्तमान व्यवसाय से हटा भी दिया जाता है तो भी कुल उत्पादन वही रहता है ऐसी स्थिति में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा ऋणात्मक होती है जबकि श्रमिक स्वयं को बेरोजगार नहीं मानते। पोशीदा बेरोजगारी ऐसी हाल जहां लगता हो कि लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन हकीकतन कुल पैदावार में उनका कोई ताउन नहीं है यहां तक के अगर कुछ कारकुनान को उनके मौजूदा काम से हटा भी दिया जाए तो पैदावार पहले जैसी ही रहेगी ऐसी सूरत में किसी कारकुन की हाशियाई पैदावारियत मुनफी हो जाती है फिर भी कारकुनान खुद को बेरोजगार नहीं समझते दिस इन्वेस्टमेंट अ सिचुएशन वेन कैपिटल कंजम्पन एक्सीज इन्वेस्टमेंट एंड द वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल इज नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू इन्वेस्टमेंट It also includes the sale of capital equipment or capital stock of a company to raise resources and change the equity and or management structure of a company. Vinivesh Ek sthiti jisme punji ka upbhog nivesh se adhik hota hai aur punji kshati ki bharpai Ne nivesh se nahi Isme company ke sansadan barhani? और इक्विटी और अथवा प्रबंध संरचना बदलने के लिए कंपनी के पूंजी उपस्कर या पूंजी स्टॉक का विक्रय भी सम्मिलित है ऐसी हाल जहां सरमाए का इस्तेमाल असल रकम से बढ़ जाए और इतलाफ शुदा सरमाए की जगह नया सरमाया न लाया जा सके इसमें कंपनी के वसाइल बढ़ाने और इक्विटी इंतजामिया ढांचे बदलने के लिए company ke sarmaya jati sazo saman yani capital equipment ya sarmaya jati stock ki bhi hai. disparity it refers to the inequality in terms of availability of resources both human and non-human across regions or population groups for example interstate disparities income disparities gender disparities असमानता ये मानव और गैर मानव दोनों संसाधनों की उपलब्धता के रूप में असमानता है जिससे संबंधित क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उदाहरण के लिए अंतर राज्य असमानताएं, अंतर क्षेत्रीय असमानताएं। अदम मुताबकत ये इंसानी और गैर इंसानी वसाइल की फराहमी की शक्ल में ना बराबरी का होना है जिसके नतीजे में मुतल शोबे के अंदर अदम तो पैदा हो जाता है मसलन बयासी मुताबक मुताबकत डिस्पर्शन मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएशन स्प्रेड ऑफ अ वेरिएबल द दर्पज ऑफ द डिस्पर्शन इज टू डिटर्मिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज एंड टू कम्पेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज The important methods for measuring dispersion are range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. बिखराव किसी केंद्रीय मान के आसपास चरों की परिवर्तनशीलता की कोटि का माप। बिखराव का उद्देश्य किसी औसत की विश्वसनीयता का निर्धारण करना और दो या अधिक श्रेणियों की परिवर्तनशीलता की तुलना करना होता है बिखराव मापने की महत्वपूर्ण विधियाँ परास चतुर्थक विचलन माध्य विचलन मानक विचलन और लॉरेंस वक्र है इंतजार किसी मरकजी कदर के आसपास पास की तब्दीली के दर्जे की पैमाइश इंतशार का मकसद किसी औसत की मोतबरीत को तय करना और दो या दो से ज़्यादा सिलसिलों की तगीर पजीरी का मवाजना करना है इंतशार की पैमाइश के तरीके हद वसात यानि रेंज रबी इनहराफ यानी क्वाटाइल डेविएशन औसत इनहराफ यानी मीन डेविएशन मयारी इनहराफ और लॉरेंस खमीदा यानी लॉरेंस कर्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नेट एसेट्स ऑफ अ कंट्री अमंग इंडिविजुअल्स संपत्ति वितरण व्यक्तियों के बीच देश की निवल परिसंपत्तियों के विद्यमान स्टॉक का वितरण दौलत की तकसीम अफराध के दरमियान मुल्क के खालिश असास के मौजूदा जखीरे की तकसीम डाइवर्सिफिकेशन The process by which a firm expands the range of its output. The firms diversify their products to increase profitability and reduce the impact of cyclical fluctuations. Diversification has accounted for a significant growth of MNCs, multinational corporations, and TNCs, transnational corporations. Vividhi Karan प्रक्रम जिसके द्वारा कोई फर्म अपने उत्पादन के परास का विस्तार करती है फर्म लाभप्रदता को बढ़ाने और चक्रीय उतार चढ़ाव के प्रभावों को घटाने के लिए अपने उत्पादों में विविधता लाती है विविधीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज और पार राष्ट्रीय टीएनसी कंपनियों का महत्वपूर्ण विकास हुआ है तनु कारी वो अम्ल जिसके जरिए कोई फर्म अपनी पैदावार के वसात में इजाफा करती है कंपनियां मुनाफा पजीरी को बढ़ाने और वक्फा जाती उतार चढ़ाव के असरात को कम करने के लिए अपनी मसनुआत में तनु लाती हैं कसीर कौमी कंपनियां यानी एम और बैन अवी कंपनियां यानी ट्रांस नैशनल कॉरपोरेशन के फैलाव का सबब यही तनु है डिविडेंड The part of a company's profit earnings which is distributed among its shareholders in proportion to their shareholdings. It is usually expressed either as a percentage of the nominal value of the ordinary share capital or as an absolute amount per share. Labhanj Company ke labh ka wo bhag jo share dharako उनके हस्तगत शेयरों के अनुपात में वितरित किया जाता है इसे प्रायः सामान्य शेयर पूंजी के मौद्रिक मान के प्रतिशत के रूप में अथवा प्रति शेयर निरपेक्ष राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है जुजवी मुनाफा कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा जो हससदारों के दरमियान उनके हसस के तनासुब से तकसीम किया जाता है इसे अक्सर हसस सरमाए की रस्मी कदर यानी नॉमिनल वैल्यू की फीसद की शरह के तौर पर या फी हिस्सा मुतलक रकम यानी एब्सोल्यूट अमाउंट के तौर पर जाहिर किया जाता है पेज ट्वेंटी एट डोमेस्टिक गुड्स गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लेबर एंड कैपिटल यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन देशीय वस्तुएं किसी देश के राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं बिना इससे प्रभावित हुए कि कौन उनका उत्पादन कर रहा है मुल्क अशिया किसी मुल्क के जोग्राफियाई खत्ते में पैदा या तैयार की गई अशिया उससे कता नजर के उनमें मुस्तमल मेहनत और सरमाए की मिल्कियत किसकी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स Occurs when a party is able to offer something that the other party wishes to have. This is one of the conditions for barter transaction. For example, when a party wants to trade amount A of good X for amount B of good Y, and another party is willing to trade amount B of good Y for amount A of good X. आवश्यकताओं का उभय संयोग ये तब होता है जब एक पक्ष कुछ ऐसा देने के लिए सक्षम है जिसे दूसरा पक्ष लेना चाहता है ये वस्तु सौदे की शर्तों में से एक है उदाहरण के लिए जब एक पक्ष वाई वस्तु की बी मात्रा के लिए एक्स वस्तु की ए मात्रा का व्यापार करना चाहता है और दूसरा पक्ष एक्स वस्तु की ए मात्रा के लिए वाई वस्तु की बी मात्रा का व्यापार करना चाहता है ज़रूरतों की दोहरी मुताबकत ऐसा उस वक्त होता है जब कोई फरीक उस शय को देने की सलाहियत रखता है जिसे दूसरा फरीक लेना चाहता है यह तबादली तजारती कारोबार की एक हालत है मिसाल के तौर पर जब एक फरीक Y के बदले माल एक्स की तजारत करना चाहता है और दूसरा फरीक माल एक्स के लिए माल Y फरोख्त करना चाहता है ड्रेन ऑफ वेल्थ refers to the transfer of wealth of a country abroad, such as the one during colonial period when there was a huge net financial transfer from India to Britain in the form of Indian goods during 1772 to 1815. It took place through the access of exports from India for which there were no equivalent imports, leading, to drain of wealth from India dada Bhai Naroji introduced this term in his essay the benefit of British rule in 1871 in the context of India's drain of wealth to Britain see also Naroji Dada Bhai Sampatti Ka Nishkasan iska Earth kisi desh ki sampatti ka videsho mein hastantaran hona hai जैसा कि उपनिवेश काल में सत्रह से 1815 के मध्य भारतीय वस्तुओं के रूप में भारत से ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में निवल वित्तीय हस्तांतरण हुआ इसमें भारत से अधिक निर्यात हुआ जिसके बदले समान आयात नहीं हुआ और भारत से संपत्ति के निष्कासन का कारण बना दादा भाई नारोजी ने भारत से ब्रिटेन को संपत्ति के निष्कासन के संदर्भ में 1871 में अपने निबंध द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल में इस शब्द का प्रयोग किया देखें नारोजी दादा भाई दौलत की निकासी इसका मतलब है किसी मुल्क की दौलत की गैर मुल्कों को मुंतकली जैसा कि नौआबादियाती दौर में सत्रह से 1815 के बीच हिंदुस्तानी अशिया की शक्ल में हिंदुस्तान से बड़ी मकदार में माली मुंतकली बरतानिया की तरफ हुई इसमें हिंदुस्तान से बरामदात ज़्यादा हुई, जिसके बदले कोई सामान दरामद नहीं हुआ और इस तरह दौलत की निकासी हुई दादा भाई नोरोजी ने हिंदुस्तान से बर्तानिया को दौलत की निकासी के हवाले से अठारह में अपने मजमून द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल में इस असलाह का इस्तेमाल किया था नेज देखिए नौरोजी दादा भाई डूएल प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम और आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स इट मे इंडिकेट एन इंटेंशन टू एंगेज इन डंपिंग दिस कॉन्सेप्ट इज यूज इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपली सी ऑल्सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दोहरी कीमतें इसका अर्थ विभिन्न बाजारों में एक से अधिक कीमतों पर एक ही या एक जैसे उत्पाद बेचना है ये पाटने में संलग्न होने की मंशा को इंगित कर सकता है इस अवधारणा का उपयोग विभेदात्मक एकाधिकार में किया जाता है देखें कीमत विभेद, दोहरी कीमतें इसका मतलब है कि एक जैसी या मिलती जुलती अशिया को मुख्तलिफ बाजारों में अलग अलग कीमतों पर फरोख्त करना इसकी मंशा अंबारकारी हो सकती है इस तस्वर का इस्तेमाल इम्तियाजी इजारादारी में किया जाता है ने देखिए Dumping occurs when a producer sells a commodity in a foreign country at a price that is lower net transportation cost tariff than the price which he charges in the domestic market. Sale of a commodity in a foreign market may also be at a price below marginal cost an exporting country may support the short run losses through such a policy in order to eliminate competition and thereby gain a monopoly in the foreign market partner ye tab hota hai ek vastu ko videsh mein uskimat se kam निवल परिवहन लागत सीमा प्रशुल्क कीमत पर बेचता है जो वो देशीय बाजार में वसूल करता है दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर विक्रय निर्यातक देश प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए तथा इस प्रकार विदेशी बाजार पर एकाधिकार जमाने के लिए अल्पकालीन हानियों को समर्थन दे सकता है अंबारकारी अंबारकारी उस वक्त होती है जब कोई सनातकार किसी माल को गैर मुल्कों में उस कीमत से कम खालिश ट्रांसपोर्ट लागत टैरिफ में बेचता है जो कीमत वो मुल्की बाजार में वसूल करता है दूसरे लफ्जों में ये किसी माल का गैर मुल्की बाजार में हाशियाई लागत से कम कीमत पर बेचना है कोई बरामदकार मुल्क की मुसाबकत खत्म करने और गैर मुल्की बाजार में इजारादारी कायम करने के लिए इस पॉलिसी को अपना कर मुख्तर मुद्दती नुकसान बर्दाश्त करता है पेज ट्वेंटी नाइन डू ओ पॉली अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर ओनली टू सेलर्स द डू पॉली मार्केट डील्स विथ टू मेन मॉडल्स फर्स्ट Non cooperative model such as Bertrand duopoly model, where duopolists compete with each other through their choice of price, cornot duopoly model, where duopolists compete with each other through their choice of quantity, and second. कोऑपरेटिव मॉडल सच एज कल्यूसिव मॉडल वेन टू फॉर्म्स दैट देयर एक्शंस आर इंटर एंड हेंस विल अटेम्प्ट टू अवॉइड म्यूचुअल राइवलरी द्वि अधिकार बाजार की एक स्थिति जिसमें केवल दो विक्रेता होते हैं द्वि अधिकार बाजार दो प्रमुख मॉडलों को व्यवहार में लाता है पहला गैर प्रतिक्रियात्मक मॉडल जैसे बर्ड्रैंड द्वि अधिकार मॉडल जहां द्वि अधिकारी मूल्यों के निर्धारण में प्रतिस्पर्धा करते हैं कुर्नो द्वि अधिकार मॉडल जहां द्वि अधिकारी मात्रा के निर्धारण में प्रतिस्पर्धा करते हैं आदि और दूसरा सहयोगी या सहकारी मॉडल जैसे कॉल्यूसिव मॉडल जब दो फर्म समझ जाती हैं कि उनकी कारवाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और इस कारण वे पारस्परिक प्रतिद्वंदता से बचने का प्रयास करेंगी सनवी इजारादारी बाजार की ऐसी हालत जिसमें सिर्फ दो फरोख्तकार हों सनवी इजारादारी वाले बाजार में दो अहम मॉडल काम करते हैं एक गैर तावनी मॉडल जैसे बर्ट्रेंड शनवी इजारादाराना मॉडल जहां सनवी इजारादार एक दूसरे से कीमतों की तयन में मुसाबकत करते हैं और करनाट यानी कर्नू सनवी इजारादाराना दाराना मॉडल यानी करनाट रुआपली जहां सनवी इजारादार कीमत के इंत में एक दूसरे से मुसाबकत करते हैं वगैरह दो तावनी मॉडल यानी मुआवनती मॉडल जब कंपनियां ये समझ जाती हैं कि उनकी सरगर्मियां एक दूसरे पर मुनहसर हैं और इसी वजह से वो मुसाबकत से बचने की कोशिश करती हैं ट्राई डिक्शनरी यू आर जस्ट लिस्टिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट राजेश निमेश Subject Coordination, Dr. Nirja Rashmi. Project Advice, Dr. Bharti Kaushik. Technical Coordination, Lang Lingdo. Framework Advice, Ajit Horo. Production Coordination, Vandana Arimardan. Assistance in Production, Kusum Lata. Produced and Directed by Vimlesh Chowdhury. And this presentation is brought to you by CIET, NCERT, New Delhi, India.